दोस्तों कैमरे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे DSLR, SLR, मिरर कैमरा। बट आपने कभी सोचा है कि एक DSLR और एक SLR में क्या डिफरेंस होता है? और कैमरा लेना है तो क्या आप सबको एक SLR में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक DSLR में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सा कैमरा इन दोनों में से हो सकता है बेस्ट? अगर ये सारे सवाल आपके मन में है तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ एकदम इन डेप्थ। और ये वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप सबको कोई सी भी कैमरा परचेस की वीडियो देखनी पड़ेगी कि कौन सा कैमरा लेना आप सबके लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव मैं आज की बनाने वाला हूं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक एंड टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, दबा के ग्रे कर देना। मैं ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहूंगा। दोस्तों इसी पावर और एनर्जी के साथ करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट थिंग मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो मेजर डिफरेंस होता है एक DSLR और एक SLR में। बेसिकली SLR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स और DSLR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। मेनली जो SLR कैमरा होते हैं उसमें लेंसेज नहीं होते हैं, उसमें परमानेंटली फिक्स्ड एक लेंस डाला रहता है और SLR में आप सब अलग अलग लेंस भी नहीं लगा सकते। वहीं DSLR में आप सब इजीली लेंसेज अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप सबका DSLR सपोर्ट करता है। SLR के साथ आप सब ब्लर अच्छा खासा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लेंस आप सब दूसरे नहीं लगा सकते हैं। बट वही बात करूं अगर DSLR की तो DSLR में आप सब जैसा चाहे तगड़ा वाला वैसा बैकग्राउंड बोके या ब्लर आराम से कर सकते हैं, वो लेंसेस के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे भी आप सब लेंस लगाएंगे वैसा आप सबको ब्लर देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ऐसा क्या है जो एक DSLR को SLR से अलग बनाता है? तो उनको मैं बता दूं, बेसिकली जो DSLR होता है उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो कि एक बार में 1000 फोटोज क्लिक कर सकते हैं और ये सेंसर डेफिनेटली बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं। और SLR में जो इमेजेस होती हैं वो एक फिल्म पे रिकॉर्ड होती है, तो यही एक फर्क ले आता है एक DSLR और SLR में। अभी यहाँ पे आप सबको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, बट मैं यहाँ पे आप सबको लाइव दिखाऊंगा क्योंकि गाइज मेरे पास खुद भी एक SLR कैमरा है और DSLR जिससे भी शूट हो रहा है, तो मैं आप सबको लाइव एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। इसके लिए करते हैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज और तब मैं आप सबको बताता हूँ। सो दोस्तों थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कर ली है लोकेशन को चेंज। आप सब देख सकते हैं अभी जो मैं ये शूट हो रहा है ये DSLR के शूट हो रहा है। दोस्तों अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों एक SLR को और एक DSLR को दोनों एक साथ सेट कर दिया और आप सबको मैं दोनों ही कैमरे की क्वालिटी का डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे DSLR में और कैसे SLR में क्वालिटी रहती है। तो आप सब देखेंगे अभी जो नॉर्मल आप सबके सामने क्वालिटी आ रही है, बट आप सब देखेंगे जो हमारा DSLR है उसमें काफ़ी तगड़ा पीछे ब्लर देखने को मिल रहा है और वहीं SLR की बात करूँ तो आप सबको डिसेंट लेवल का ब्लर देखने को मिलेगा, मतलब उतना अच्छा खासा खास नहीं मिलेगा। और आप सब देखेंगे कि मेरे DSLR में काफ़ी तगड़ा पीछे ब्लर हो रहा है अगर मैंने यहाँ पे एकदम दोनों कैमरे को पास रखा है। और अगर आप सबको अपने SLR में ब्लर करना है तो आप सबको रखना पड़ेगा अपना DSLR उसको थोड़ा दूर, और अब मैं आप सबको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा वो SLR को दूर रख के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी जो आप सब फुटेज देख रहे हैं ये मैंने अपने SLR को रख लिया है दूर और आप सब देख सकते हैं बैकग्राउंड में ब्लर काफ़ी अच्छा सा दिख रहा होगा। और अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो देख सकते हैं मैंने SLR को बहुत दूर रखा हुआ है और ये हमारा DSLR यहाँ पे है और DSLR में देखेंगे काफ़ी अच्छा, अभी भी आप सबको यही एकदम पास में रखा हूं तो भी तगड़ा ब्लर देखने को मिल रहा है। बट अब SLR को मैंने दूर रखा है तब जाके आप सबको ठीक ठाक सा मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्लर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं अपने SLR को डिस्टेंस पे रखता हूँ तो आप सब देख सकते हैं कैसी क्वालिटी रहेगी और वहीं अगर मैं थोड़ा पास ले आता हूँ तो वो ब्लर बोके खत्म हो जाता है। आपने देखा टोटल डिफरेंस SLR से और DSLR से क्या दोनों की क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस है। डेफिनेटली आप सबको पता चल गया होगा अब एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू और आप सब देख सकते हैं कि क्वालिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। बेसिकली जो मेरे पास DSLR है उसमें 24.1 मेगापिक्सल का सेंसर डला हुआ है और बेसिकली जो ये वाला SLR है इसमें आप सबको 20.3 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, तो बेसिकली जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी तगड़ी क्वालिटी देगा। और हाँ ऑटो फोकस भी अगर बताऊं तो आप सबको DSLR में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू SLR। मैं आप सबको ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं घुसाना चाहूंगा, बस आप सब साफ साफ मैं आप सबको अब फोटोज दिखाना चाहूंगा दोनों ही कैमरे की जो कि मैंने क्लिक किए थे।
तो होपफुली आप सब समझ गए होंगे DSLR और SLR के बीच का डिफरेंस। देखो गाइस, DSLR एक DSLR होता है। अगर मैं क्वालिटी वाइज बताऊं तो DSLR की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, बट SLR की भी क्वालिटी ठीक ठाक आप सबको मिलती है उसके प्राइस रेंज में। बट हाँ, जूमिंग के मामले में यार मैं बोलूँगा ये वाला कैमरा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और अगर आप सबको ये वाला कैमरा देखना भी है तो एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप सब डेफिनेटली जा सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो देख के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर आप सबको बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर कोई नंबर देखा सब्सक्राइब करके ग्रे कर लेना और कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की वीडियो। हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।